हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका पेपर हुआ है 22nd क्वेश्चन था आप लोगों के पास, और क्वेश्चन क्या था, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट पी इज इक्वल टू 16.16 ऑन द पैराबोला। टेंजेंट्स को भी आप जानते हैं, नॉर्मल्स को भी आप जानते हैं, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये पैराबोला भी आपका देखा हुआ है और ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है विच इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो टेंजेंट और नॉर्मल हैं वो एक्सिस ऑफ पैराबोला को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला आपको मालूम है जो फोकस से पास होता है और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। और यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है, तो वो आपका वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, एट ए एंड बी रिस्पेक्टली, इफ सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट पी ए एंड बी। सी जो है बच्चों आपका सेंटर है, पॉइंट पी ए बी से पास कर रहा है, सी पी बी जो है आपको थीटा एंगल दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा निकालनी है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन यदि इसको बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ आ जाएगा, और इसको आप बिल्कुल सिंपल वे में बहुत इजी कर सकते हैं। ये बच्चों आपका राइट हैंड पैराबोला है, ये बन गया आपका राइट हैंड पैराबोला। ये पी पॉइंट जो है आपका 16.16 है, तो ऑब्वियस है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये आपका 16.16 आ गया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं टेंजेंट, टेंजेंट इस पर गिराया बच्चों, टेंजेंट जो होगा आपको मालूम है वो इस तरह होगा। ठीक है, ये गलत बन गया थोड़ा सा, तो ये टेंजेंट है। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और नॉर्मल आप लोगों को मालूम है कि ये आपका नॉर्मल है, तो इसको बी कहते हैं, ये एंगल 90 है। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, तो वो उस पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो हैं आपके ऑर्डिनेट जो है वो 0-0 होने वाला है, ये पक्की बात है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका जो सी सेंटर पूछा हुआ है, यदि आपने थ्योरी बहुत अच्छी तरह की हुई है तो आप लोगों को मालूम है कि वाई स्क्वायर टू 16x है, जो इसका फोकस है वही आपका सी होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इसको आपको मैं ट्रेडिशनल मेथड से और कन्वेंशनल मेथड से करके दिखाऊंगा। अब इसका यदि आपने फोकस निकालना है तो फोकस निकालने का तरीका क्या होता है कि आप 4a इक्वल टू 16, इससे मैंने इस पैराबोला को कंपेयर कर दिया, तो a हमारे पास क्या आ गया 4, तो 4.0 जो है वो हमारा सेंटर आ चुका है। तो अभी मैं इसको वेरीफाई करके बताऊंगा कि यही आपका 4.0 जो है वो सेंटर आने वाला है, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। यदि ये प्रॉपर्टी याद हो तो आप फटाफट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे बच्चों अपना ट्रेडिशनल मेथड से इसको कैसे करना है। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट पी ए एंड बी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बच्चों, ये आपने कॉनिक सेक्शन में भी सीखा हुआ है और 12th क्लास के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सीखा हुआ है, इसको आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बड़े आराम से निकाल लेते हो। तो अब आपको मालूम है किसी भी कॉनिक में t इक्वल टू 0 होता है, कहीं ऑथर लिखते हैं, और x स्क्वायर होता है तो उसको x x1 से रिप्लेस कर देते हैं, y स्क्वायर को y y1 से रिप्लेस कर देते हैं, और x को x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस कर देते हैं, और y को y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर x1 और y1 हमें दिए हुए हैं, ठीक है, और y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपकी क्या होने वाली है, 16y इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 16/2, तो ये कैंसिल कर दिया, तो 16y इक्वल टू 8x प्लस 16 इंटू 8, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी आ चुकी है, और इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए कह देते हैं। अब बच्चों इसकी स्लोप भी हमें पता चल रही है, वो कैसे पता चल रही है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो mx प्लस c है तो 8/16 मतलब इसकी स्लोप 1/2 है, तो इसकी स्लोप 1/2 है, तो इसके नॉर्मल की स्लोप क्या होगी बच्चों, -2 होगी। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ रही है। अब बच्चों जो एंगल निकालना था, ये टोटल एंगल तो 90 था, लेकिन ये वाला एंगल हमें ये थीटा निकालना है हर हालत में, तो अब इस चीज़ की तो स्लोप आ चुकी है बच्चों, इसकी स्लोप और हमें पता चल जाए, और इसकी स्लोप हमें पता चल गई है, तो 11th क्लास में हमने सीखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो उससे हमारे पास एंगल भी आराम से पता चल जाएगा क्या है। अब सबसे पहले तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि ये 4.0 कैसे आया। अब ये बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ चुकी है, ये टेंजेंट की है तो इसका ऑर्डिनेट 0 है, तो ऑर्डिनेट को 0 रखा तो 8x इक्वल टू माइनस 16/8, 8 से 8 गया तो x इक्वल टू कितना आ गया -16, तो ये a के पॉइंट आ गया -16.0। अब b के पॉइंट निकालने हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी, तो इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूँ ताकि आपको पता रहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए
आपको मालूम है वाई माइनस 16 और ये भी क्या आएगा एक्स माइनस 16 और स्लोप क्या है माइनस 2, तो वाई इक्वल टू माइनस 2x प्लस 32 प्लस 16, तो वाई इक्वल टू माइनस 2x प्लस 48। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी ऑर्डिनेट जीरो है, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 48 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 24, तो ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया 24.0। और c जो है बच्चों उसका मिड पॉइंट है, तो आप चेक कर सकते हो मिड पॉइंट है, तो 24 माइनस 16 बाई 2 तो 8 बाई 2 तो ये 4, तो ये आपने इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये 4.0 निकाला, तो ये आप शुरू में ही निकाल सकते थे यदि आपकी कमांड इस पर बहुत अच्छी है। अब बच्चों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब एंगल निकालना है। इसकी स्लोप तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आपके पास आ चुकी है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो अब बच्चों हमें स्लोप ऑफ पीसी निकालनी है, तो स्लोप को हमेशा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपका हो गया 16 माइनस 0 अपॉन 16 माइनस 4, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, राइज अपॉन रन जो होता है हमेशा स्लोप होता है, तो 16 अपॉन 12 आ गया, तो 4 4 16, ये 4/3 आ गया। और टेन थीटा आप लोगों को मालूम है वो क्या होता है, एम वन माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस एम वन इंटू एम टू, तो अब हमने सॉल्व किया तो ये 4/3, वो माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस 4/3 इंटू माइनस 2, इज इट क्लियर? तो 4 प्लस 6 अपॉन 3 और ये आपका ऊपर 3 आ गया, और 3 माइनस 8 तो कैंसिल हो गया, तो ये मोड के अंदर है, तो ये 10 है, ये माइनस 5 है, और एंगल जो है आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो अभी तो देखो ऑप्शन कौन सी है बच्चों, तो अधिकतर हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन ही आ रही है, तो ए 2 ऑप्शन आप इसको क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इक्वेशन आपका बड़ा इजीली और बड़ा सिंपल वे से हो गया, यदि आपको प्रॉपर्टी पता होती तो इक्वेशन बहुत ईजी से हो सकता था। थैंक यू वेरी मच।